दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हम बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हम एज पर रूल के अनुसार डेबिट और क्रेडिट किस किस लेजर को डिसाइड करते हैं। जैसा कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर होता है, जब हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से कैश हम विड्रॉ करवाते हैं, या अगर हम किसी बैंक के द्वारा किसी सप्लायर्स को या किसी को भी अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन हम किस प्रकार से पास करते हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, कौन से लेजर को हम डेबिट करते हैं, कौन से लेजर को हम क्रेडिट करते हैं, या फिर अगर हमें बैंक के द्वारा कोई अमाउंट पैसा हमें रिसिप्ट होता है तो उसके ट्रांजैक्शन हम जनरल एंट्री किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों हम रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं उसी की सीरीज हमने स्टार्ट करी है और आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है। और जस्ट फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, उस वीडियो में हमने कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे और हमने जो अकाउंट्स के जो बेसिक रूल होते हैं गोल्डन रूल उसके बारे में डिस्कस किया था भी कितने टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं, किस कौन से अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार के लेजर हैं वो इंक्लूड होते हैं, और कुछ हमने यहाँ पर बेसिक्स जो ट्रांजैक्शन एंट्री होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था भी अगर हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी हम डेबिट क्रेडिट किस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम किसी बिजनेस से किसी सप्लायर से किसी कंपनी से अगर हमने कोई परचेज किए तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट लेजर उनके तय करते हैं, तो कुछ हमने ये सब कुछ सेल का परचेज का पेमेंट का रिसिप्ट का यानी कि कैश से संबंधित हमने डिस्कस किया था पार्ट वन के वीडियो में। तो और आज ये हमारा सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट हम लेजर किस प्रकार से डिसाइड करेंगे ये हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी आप आज का ये जो सेकंड वीडियो है इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे गोल्डन रूल्स के बारे में पता, यानी कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हम पास कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर डेबिट होने वाला है और कौन सा लेजर क्रेडिट होने वाला है। जब तक हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो हमें अकाउंट सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 9 नंबर पॉइंट तक ये डिस्कस किया था जहाँ पर हमने ये डेबिट क्रेडिट लेजर को सेलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद हम पॉइंट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। और ये जो आज की जो ट्रांजैक्शन रहने वाली है वो बैंकिंग से और कुछ एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगी। तो दोस्तों अब मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर आपने बैंक का एक अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है और उसमें अगर आप नगद जमा करवाते हो बैंक में तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है। तो जनरल एंट्री बनाने से पहले हमें डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज होना कंपलसरी है। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रांजेक्शन 10 नंबर पॉइंट ये कहता है भी SBI बैंक में 50,000 रुपये नगद जमा करवाए, तो यानी कि ये अकाउंट किसका हो गया, हमारी कंपनी के नाम से, या आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपकी कंपनी का करंट अकाउंट हो सकता है। अगर ये करंट अकाउंट होगा तो किसके नाम से होगा, जो आपकी कंपनी है सुमित ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अगर ये सेविंग अकाउंट है तो किसके नाम से रहने वाला है, केवल सुमित के नाम से, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 10 भी SBI बैंक में 50,000 रुपये नगद जमा करवाए। तो आप देख रखते हो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने ये वर्ड नहीं लिखा भी हमने कोई सामान खरीदा है या कोई सामान बेचा है। इसका मतलब एक बात तो तय हो ही गया भी ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये कोई परचेज या सेल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस वाउचर के अंदर हमारा कैश ट्रांजैक्शन जरूर हो रहा है। अब ये कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन होने का मतलब क्या हो गया, भी नगद जमा करवाए हैं तो आपकी दुकान से आपकी कंपनी में से ये 50,000 रुपया निकला है, तो इसका मतलब आपके फर्म से आपकी दुकान से पैसा निकला है। तो एज पर रूल के अनुसार अगर पैसा हमारी कंपनी से हमारी दुकान से निकलता है दुकान से जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब एक बात तो हमारी यहाँ पर तय होगी भी पैसा फर्म से जा रहा है तो कैश को हम करने वाले हैं यहाँ पर क्रेडिट। तो ये हमारा जो कैश का लेज़र है, अब कैश के लेज़र को हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसको, तो ये हमने कर दिया इसको एज पर कैश को क्रेडिट के हिसाब से इसको कलर हमने कर दिया। चलो मान लीजिए इसका फॉन्ट का चेंज हम कर देते हैं यहाँ पर, तो कैश हो गया यानी कि नगद हो गया हमारा क्रेडिट। तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है,
बैंक में, और बैंक कौन सा हमारे पास, SBI बैंक। तो SBI बैंक को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल ये कहता है भी अगर हमने किसी को पेमेंट हम देते हैं, चेक किसी सप्लायर को देंगे तो भी हम उसको डेबिट करते हैं, बैंक में जमा करवाया तो भी हम बैंक को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी भी SBI बैंक से 4,000 रुपये नकद निकलवाए, यानी कि पैसा हमने विड्रॉ किया है। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ये जो नकद निकलवाए यानी कि ये जो नकद आ रहा है, ये जो पैसा आ रहा है, ये अब आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है। तो अगर हम जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, देख रहे हो कि नकद हमने जमा करवाते हैं तो उस कंडीशन में पैसा हमारी जेब में से निकल रहा है, हम ये समझ सकते हैं, और अगर बैंक से हमने पैसा नकद निकलवाया है तो उस कंडीशन के अंदर पैसा हमारी जेब के अंदर वापिस आ रहा है। अगर पैसा हमारी बिजनेस के अंदर वापस आता है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी आप देख सकते हो भी कैश की ट्रांजैक्शन भी अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, कैश आएगी तो डेबिट होगी। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, कैश को करने वाले हैं डेबिट। तो हमने नगद को डेबिट कर दिया, तो हम नगद को भी यहाँ पर कलर कर देते हैं डेबिट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में पैसा आया तो पैसे को देने वाला कौन हो गया, बैंक। तो हम क्या करने वाले हैं, SBI बैंक को हम करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो हम क्रेडिट को यहाँ पर कर देते हैं, SBI बैंक को करने वाले हैं क्रेडिट। यानी कि ये जस्ट बैंक में पैसा जमा करवाना और बैंक से पैसा नगद निकलवाना, यानी कि एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पॉइंट नंबर 12 की हम बात करें भी श्रीराम ट्रेडर्स को SBI बैंक से 9,000 रुपये का भुगतान किया है। तो एक ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर पहले लिखी थी, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने लिखा था यहाँ पर भी श्रीराम ट्रेडर्स को 3,000 रुपये का नगद भुगतान किया, और वहाँ पर भी हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन भुगतान कंडीशन दो तरीके से हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर नगद भुगतान किया है तो पैसा हमारी कंपनी में से निकल रहा है, और लेकिन अब इस 12 नंबर पॉइंट को अगर हम देखें तो 12 नंबर पॉइंट में हम कह रहे हैं भी श्रीराम ट्रेडर्स को SBI बैंक से 9,000 रुपये का भुगतान है जो किया जा रहा है। अब इसके अंदर हमने ये नहीं लिखा भी हमने नगद भुगतान किया है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि पैसा कहाँ से निकलेगा, पैसा कम कहाँ से होगा। अब आपकी जेब में से पैसा कम होने की बजाय आपका बैंक बैलेंस कम होने जा रहा है। तो हम SBI बैंक को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम श्रीराम ट्रेडर्स को तो पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको तो हम करने वाले हैं डेबिट, ये तो तय है। अगर आप इसको कैश पेमेंट दोगे तो भी हम श्रीराम ट्रेडर्स को डेबिट करने वाले हैं, अगर हम किसी चेक के थ्रू या किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हम इसको भुगतान कर रहे हैं तो भी हम श्रीराम ट्रेडर्स को तो करेंगे डेबिट। तो श्रीराम ट्रेडर्स को हम कर दें डेबिट, और उसके बाद में श्रीराम ट्रेडर्स अकाउंट होने वाला डेबिट, और अब पैसा हमने नगद न देके इसको SBI बैंक के थ्रू इसको पेमेंट करिए, तो हम SBI बैंक को करने वाले यहाँ पर क्रेडिट। तो अब इसके ट्रांजैक्शन हमारे पास बन रही है कि हम श्रीराम ट्रेडर्स को तो हमने डेबिट किया है और SBI बैंक को हमने क्रेडिट किया है, और ये है इसका चेक का नंबर, और एक नंबर चेक था इससे चेक के थ्रू हमने पैसे को विड्रॉल किया था, और दो नंबर चेक के थ्रू हम श्रीराम ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 13 की बात करें भी सुदेश से PNB का 890 रुपये का चेक हमें प्राप्त हुआ है और SBI बैंक में हमने इसको डिपॉजिट करवाया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, भी सुदेश ने PNB बैंक का चेक दिया, तो PNB का मतलब क्या हो गया, ये जो PNB बैंक का अकाउंट है ये सुदेश की कंपनी का, यानी कि ये जो हमारा कस्टमर है इसका अकाउंट PNB बैंक में है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमने एज ए रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ ताकि हमें पता चले भी इस पार्टी ने यानी कि इस कस्टमर ने हमें PNB का चेक दिया था। लेकिन अब ये पैसा आया कहाँ पर है, ये सुदेश ने हमें नगद नहीं दिया। एक ट्रांजेक्शन हमने फर्स्ट डे लिखी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी भी सुदेश से 1,000 रुपया नकद प्राप्त किया, तो यहाँ पर भी हमने नकद प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पर सुदेश ने हमें 1,000 रुपये नकद दिए थे, जो कि पैसा हमारे बिजनेस में आया था उस कंडीशन में, लेकिन देने वाला कौन था, सुरेश। अब सुरेश अब हमें यहाँ पर भी तो पेमेंट दे के जा रहा है, लेकिन अब हमें ये नकद न देने की बजाय इसने चेक दिया है, और वो चेक हमारा अब सीधा बैंक में जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो केस बढ़ना चाहिए था अब उसकी बजाय हमारा बैंक बैलेंस है जो बढ़ेगा, यानी कि पैसा सीधा डायरेक्ट SBI बैंक में गया है, तो हम करने वाले हैं SBI बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर केस आता तो हम नकद को डेबिट करते, लेकिन बैंक में गया तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो पेमेंट देने वाला कौन है, सुदेश। अब सुदेश को हम करने वाले हैं इसको क्रेडिट, क्योंकि अगर सुदेश हमें नगद पेमेंट करेगा तो भी हम सुदेश को क्रेडिट करेंगे, अगर सुदेश हमें ऑनलाइन चेक के थ्रू NEFT RTGS किसी के माध्यम से अगर हमें पेमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है भी वो पेमेंट हमारे सीधे नगद आने की बजाय हमारे जेब में आने के बजाय सीधा पैसा हमारा बैंक में जाएगा।
और 14 नंबर एंट्री हमने करी है भी 500 रुपये का नगद दुकान खर्च किए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भी हमने न तो किसी को पेमेंट किया, नहीं किसी से पेमेंट आ रही और नहीं हमने कोई सामान परचेज किया और नहीं सामान सेल किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर नगद का जिक्र है जो जरूर हो रहा है, यानी कि नगद का भुगतान हो रहा है। लेकिन एक तो बात है भी खर्चा हमने किया है तो पैसा हमारी कंपनी से निकला है, और रूल यही कहते हैं भी अगर पैसा आपकी दुकान से निकलता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब नगद के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। हम नगद को एक बार यहाँ ले आते हैं, नगद का लेजर केस रहने वाला हमारा क्रेडिट, क्योंकि पैसा हमारी बिजनेस से जा रहा है और खर्च हमें डेबिट किसको करेंगे दुकान खर्च करते को, क्योंकि खर्चे जितने भी एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं डेबिट होते हैं। तो शॉप एक्सपेंसेस को हम करने वाले हैं यहाँ पर डेबिट, हम इसको यहाँ से उठा के और डेबिट करेंगे। अब डेबिट किस लिए किया, अब रूल को अगर हम देखते हैं तो रूल हमारा यही कहता है भी जो समस्त एक्सपेंसेस यानी कि जो टोटल हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस के वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, क्योंकि इसकी रिकवरी की संभावना बिल्कुल जीरो होती है। और कैश को क्रेडिट हमने इसलिए किया क्योंकि पैसा हमारी दुकान से जा रहा है। अब ये किस वजह से खर्चा किया हुआ है, किसको किया हुआ है, इसका या तो हमारे पास डेबिट नोट होगा या फिर इसका जहाँ से भी हमने ये खर्चा किया था जिस कारण से किया था उसका हमारे पास में इनवॉइस यानी कि उसका एज ए वाउचर के रूप में कुछ ना कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है जो जरूर होगा। तो दोस्तों अब हमने ये जो चीज़ें एज ए लाइन आपने वर्डिंग लिख के जो हम डेबिट क्रेडिट तय कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाए। हम धीरे धीरे इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे ओरिजिनल वाउचर के साथ भी इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री हम करना सीखेंगे। इस तरीके से हमारे पास अगर हमने कोई कैश डिपॉजिट करवाया तो उस टाइप की ये ट्रांजेक्शन इस टाइप का वाउचर बनता है, अगर हमें कोई पेमेंट दे के जाते हैं तो इस टाइप का हमें वाउचर जो तैयार करके रखना पड़ता है। लेकिन ये हमें तभी समझ में आ पाएगी अगर हम इन सभी को डेबिट और क्रेडिट की जानकारी हमें अच्छी तरीके से होगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो था इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तभी आप आगे की कहानी की समझ पाएंगे। क्योंकि जो हमने फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने ये ट्रांजेक्शन करी थी, इस ट्रांजेक्शन को भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो हमने परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम कोई सेल करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमने कैश से संबंधित कुछ ट्रांजेक्शन करी थी, परचेज से थी, सेल से थी, तो वो ट्रांजेक्शन भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे और उस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्री को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिले। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।